तो हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक बार फिर से एक नया रुकिंग टीचर वीडियो लेके आपके पास। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा डिवाइस के बारे में जो कि अभी तक का इंडिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहेगा। तो जी हाँ गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी XT के बारे में। मैं बता दूँ कि आप जो रियलमी रेस का इंतज़ार कर रहे हो वही है रियलमी XT। बस इंडिया में आते आते इसका नाम चेंज होकर रियलमी XT हो गया है। तो गाइज आगे बात करते हैं। गाइज अगर बात करें रिसेंटली गाइज एक पिक स्पॉट की गई थी जो कि रियलमी चाइमिन ऑफिशियली इस वेबसाइट पे डाला गया था, जो कि वेबो नाम का वेबसाइट है जो कि चाइना का एक वेबसाइट है। तो उस पर गाइज कुछ पिक्स और कुछ लीक्स निकल के आ रही थी। कुछ गाइज वो क्या स्पेक्स थी और क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है देखने को मिल रही है इस फ़ोन में, और लास्ट गाइज कब तक इंडिया में आ सकती है किस प्राइस सेगमेंट के साथ। तो गाइज वीडियो में इन तक बने रहें, आगे हम बात करने वाले हैं इन्हीं सब के बारे में। तो हेलो गाइज, मेरा नाम आयुष है, मैं आपका स्वागत करता हूँ मिस्टर 18 गैजेट पे। डिटेल्स स्पॉट की गई थी तो उससे तो ये पहले ही क्लियर हो जाती है कि 4 मई को चाइना में ये फ़ोन लॉन्च करने जा रही है। तो गाइज अगर बात करें इस फ़ोन की क्या कुछ स्पेक्स और क्या कुछ टेक्नोलॉजी एडवांस है इसमें, तो गाइज सबसे पहले अगर बात करें इस फ़ोन के स्पेक्स की, तो गाइज इस फ़ोन में आपको 2 कलर वेरिएंट देखने को मिलेगी, एक येलो और एक ब्लू। तो गाइज दोनों में लेदर, आपको बैक में लेदर देखने को मिलेगी। और गाइज अगर बात करें इस फ़ोन की कैमरे की, तो गाइज वो जो पिक स्पॉट की गई थी उसमें गाइज स्पॉट ये की गई थी कि उसे देखने के बाद गाइज उसमें 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रही है, वो भी रेक्टेंगुलर मॉडल में। गाइज एक सरप्राइज़ की बात है कि गाइज ये पहली बार ऐसा होगा कि किसी भी फ्लैगशिप लेवल फ़ोन में आपको हेडफोन जैक देखने को मिलेगी। जी हाँ गाइज, इस फ़ोन में अपना प्यारा और दुलारा 3.5 mm जैक देखने को मिल रही है। तो ये कैसा लगा आपको ये सुन के, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप। तो आगे अगर बात करें इस फ़ोन की स्क्रीन की, तो गाइज इसमें AMOLED स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो लेकिन देखने को क्यों मिलेगी गाइज, वो जो पिक स्पॉट की गई थी उसमें गाइज देखा गया था कि ना ही पीछे में कोई फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रही है, ना ही पावर बटन से। तो इससे तो एक बात मैं और आपको बता दूं, किसी भी LED स्क्रीन पे आपको इनबिल्ट फिंगरप्रिंट नहीं देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए गाइज वो भी जब भी होगा वो AMOLED स्क्रीन पे ही आपको देखने को मिल सकती है इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि वो AMOLED स्क्रीन देखने को मिल रही है। तो अगर आगे बात करें इस फ़ोन की और भी कुछ स्पेक्स की, तो गाइज ऑफिशियली भी रियलमी ने कुछ शेयर की थी जिसमें गाइज उस फ़ोन में UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगी, और गाइज साथ ही LPDDR5 रैम देखने को मिलेगी उस डिवाइस में। और गाइज अगर बात करें गाइज यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग गाइज कि किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, किस प्रोसेसर और किस चिपसेट के साथ आपको ये देखने को मिलेगी फ़ोन, तो ये गाइज आपको Qualcomm Snapdragon 888 साथ ही गाइज 5 nm पे बेस्ड। तो ये गाइज रियलमी का, ऐसा मैं आपको बता दूँ, ये रियलमी का ऐसा फर्स्ट डिवाइस है जो कि 5 nm पे बेस्ड होके बन के आ रही है। तो ये तो गाइज एक बहुत बड़ी बात है। तो आगे बात करें इस फ़ोन की गाइज बैटरी और चार्जर की, तो इस फ़ोन में गाइज आपको 5000 mAh की बैटरी और साथ ही 65 वाट का जो भी रियलमी का चार्जर है, भूख और भी कोई सभी चार्जर हो सकता है, फास्ट चार्जर सपोर्ट देखने को मिलेगी, साथ ही USB टाइप सी देखने को मिलेगी। और आगे बात करें गाइज इस फ़ोन में गाइज अगर बात करें इस फ़ोन की कुछ और स्पेक्स की, तो गाइज इसमें आपको रियलमी UI 2.0 और साथ ही एंड्रॉयड 11 OS पर बेस्ड देखने को मिलेगी। और आगे आप कुछ लास्ट बातों की बात करें तो कि कब तक इंडिया में आ सकती है और किस प्राइस सेगमेंट तक आ सकती है, तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये गाइज रिसेंटली जो इस फ़ोन का मॉडल नंबर है वो गाइज इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे मैच की थी और मिली थी। तो गाइज ये तो कंफर्म हो गया कि इंडिया में बहुत जल्द ही ये फ़ोन आपको देखने को मिल सकती है।
जल्द ही देखने को मिल सकती है। और लास्ट बात रही कि किस प्राइस सेगमेंट तक देखने को मिल सकती है, तो ये गाइस मैं आपको बता दूं, ये आपको 40 से 50,000 तक देखने को मिल सकती है। तो आप लोग बोलोगे ये 50,000 40,000 50,000 कौन सा कम रेट है, तो गाइस मैं आपको ये बता दूं, ये जो टेक्नोलॉजी आपको मिल रहा है, जो टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत बड़ी बात है इसमें मिलना इस प्राइस सेगमेंट में। तो गाइज एक चीज़ और मैं भूल गया और बोलने के लिए, ये गाइज आपको 160 हर्ट्ज़ पे बेस्ट रिफ्रेश रेट पे बेस्ट मिलेगी, ये भी बहुत बड़ी बात है गाइज। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना गाइज। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस पे जरूर से ज़रूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तब तक के लिए बाय गाइज, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।